अपना विषय है आज अनंत रिसोर्ट में हमारे साथ है मिस इंडिया वर्ल्ड मिस वर्ल्ड सैली भगत जी मिस इंडिया 2004 आज आप सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में उपस्थित है मिस मिसेज ग्लैम इंडिया आपका भी अभी इंडिया ग्लैम स्टार से नवाजा गया है ये शो पवन टाक जी का है जो वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में करते हैं नमस्कार आपको शुभकामनाएं बधाई इससे पहले आप यहाँ शिरकत करिए आपने कैसा महसूस कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर से टैलेंट भी उभर कर आता है लेकिन ऐसे बहुत सारी लड़कियों को अपना एक टैलेंट दिखाने का मौका भी मिलता है जो कहीं बिना कहीं पर छुपी हुई होती है तो एक बाहर आने का मौका मिलता है और उनका कॉन्फिडेंस इससे बहुत डेवलप हो जाता है तो मैं हमेशा ही इन इवेंट्स को पेजेंट्स को प्रमोट करती रहती हूँ और आज मुझे ईयर एंड के दौरान ऐसा एक मौका मिल गया जब अवार्ड देते हैं क्योंकि आप एमिना मिस इंडिया जैसा इतना बड़ा जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी है पूरे भारत के अंदर तो ये बहुत बड़ी बात होती है जब आप अपने हाथों से लोगों को अवार्ड देते हैं तो कैसा महसूस करते हैं बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे मौका मिला उसके बाद जो मेरी लाइफ परिवर्तित हुई और उसके बाद जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एक बदल गया वही इन्हें भी मिले वही इनके साथ भी हो और वो अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस महसूस करें के बारे में बताइए क्योंकि बहुत एनर्जिंग होती है इतना मुश्किल होता है इतना टफ कॉम्पिटिशन होता है और आप बनी उसके बारे में जो उसका मुझे आप शेयर करिए जी हाँ जिस टाइम मैं मिस इंडिया बनी थी वो सबसे मुश्किल कॉन्टेस्ट हुआ करती थी क्योंकि ऐसे मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड काफ़ी सारे बन चुके थे तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती थी तैयारी बहुत कड़ी होती थी और उसका जो है हम अभी तक लाइफ में फ़ायदा उठा रहे उससे हम आगे एक स्टैंडर्ड की तरह रिप्रेजेंट कर पाते हैं कि देखो ये होता है एक मिस इंडिया का स्टैंडर्ड और उससे हम सारे पेजेंट्स को और सारे कंटेस्टेंट्स को मैच करते हैं मिस इंडिया बनते ही लोगों की लाइन लग जाती है फिल्मों की टीवी सीरियल की तो आपके साथ कैसा ही हुआ है मुझे पता है तो मतलब बहुत सारी आपकी फिल्में आ चुकी हैं और बड़े बड़े शोज में आप शिरकत कर चुकी हैं इंटरनेशनल लेवल पर आप शोज में शिरकत करती रहती हैं तो जाकर आप शेयर करना चाहें जी ऑफकोर्स इंडिया के बाद जो है मैंने अराउंड 27 फिल्म्स करी है उसमें से अराउंड 9 फिल्में बॉलीवुड की रही है इसके अलावा मैं तेलुगु तमिल कन्नड़ा बंगाली फिल्मों में भी काम कर चुकी हूँ और अभी कर रही हूँ एक प्रोग्राम में जाना हमेशा से ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है एक सेलिब्रिटी होने का क्योंकि आप अपने क्राउन को अपने एक स्टेटस को रिप्रेजेंट करते हो और उससे जो है वो इवेंट का भी एक डेकोरम और एक उसकी जो ये है बढ़ती है उसकी जो स्टेटस है वो बढ़ती है और ये रिप्रेजेंट करने का मैं काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे ऐसे आगे मौके मिलते जाते हैं जी हाँ पवन टैंक जी और कीर्ति टॉक जी ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि इन सारी जो है विमेन की उनके फैमिलीज की उनको अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेगी आगे आगे आने वाले सीजन्स के लिए क्योंकि इन्होंने एक उनके टैलेंट को बाहर रिप्रेजेंट किया है और हम पिछले विनर्स से भी देख रहे हैं कि इनके बैक या उसके भी जो विनर्स है वो काफ़ी खुश है और वो आना चाहते हैं और इन इवेंट्स में सो ऑल द वेरी बेस्ट टू हिम एंड द शो इज लुकिंग वेरी गुड धन्यवाद हम इसको बाहर यूट्यूब प्राइम और हमारे जो प्लेटफॉर्म है आपकी एक तरह सक्सेस स्टोरी है इसको हम शेयर करेंगे